जय जोहर सोंगारी हो, मोर नाम यमन नायक हो, आप मन के स्वागत है मोर फिर से एक नवा वीडियो में। तय हमर पहली व्लॉग वीडियो हो ही, मैं अब पहली बार घर से बाहर निकला हूँ मतलब व्लॉगिंग करे बर, और जितना भी वीडियो बनाना था घर में एक बनाया हूँ, लेकिन अब घर से बाहर निकला हूँ वीडियो बनाए बर। जैसे कि आप मन मोर पहला चैनल में देखा हो कि मैं हर साल गणेश मूर्ति मेकिंग के वीडियो लात हूँ, और फिर ओकर बाद स्थापना के लात हूँ, उसने टाइप से एक बार व्लॉगिंग करके आप मन पर गणेश मूर्ति मेकिंग के मैं वीडियो लाऊँ, और फुल वीडियो जो आई तेन मोर मेन चैनल पे आई, जो फुल एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा गणेश झील दिखाऊँ। एमा मैं ऐसे दिखाऊँ कि मैं कैसे जाता हूँ, कौन सा दोस्त संग जाऊँ, और कैसे मस्ती करत कर जाता हूँ, जा कैसे वीडियो शूट करता हूँ, एला व्लॉग के माध्यम से ए चैनल में दिखाऊँ। तैयार अभी मैं तैयार हो गया हूँ, कुछ कुछ ज़रूरी सामान रख लेता हूँ, जैसे मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, और कुछ कुछ सामान रख लूँगा। अपना बैग पकड़ना पड़ेगा पहली बार, क्योंकि व्लॉगिंग का सामान रखना पड़ेगा, माइक वाइक ये सब। तो अभी जाऊंगा मैं, मोवा जाऊंगा, और नीलेश मेरा दोस्त है, उसके बारे में पहला चैनल में भी बताया था, आप जानते होंगे, वो दोस्त को मोवा से उठाऊंगा, फिर हम लोग जाएंगे सीधा माना। बंद है ना तो दोस्तों, मैं मोवा से निकल गया और नीलेश भाई को भी उठा लिया, और अभी हम लोग पहुंच गए हैं वीआईपी रोड राम मंदिर। तो सोचे यार यहाँ रुक जाते हैं, थोड़ा मंदिर का अच्छा फुटेज ले लेते हैं, और नीलेश भाई से मिलाता हूँ मैं। मेरा नीलेश भाई, नमस्कार संगवारी हो। तो भाई मेरे साथ हमेशा वीडियो करने जाते हैं कहीं भी धुमाल में, पहले चैनल में इनका नाम भी मेंशन किया था। और ये राम मंदिर यार, अगर अभी 5 अगस्त को लॉकडाउन नहीं रहता ना, तो पूरा रायपुर समझो, आधा रायपुर तो यही राम मंदिर पे रहता, क्या तबाही है। कुछ अच्छा अच्छा फुटेज लिया हूँ गोप्रो का, दिखाऊंगा आपको। और ये हमारे नीलेश भाई, अभी हम लोग जा रहे हैं माना, जा रहे हैं गणेश मूर्ति मेकिंग का जो वीडियो आपको बताया ना, वो बनाने हम लोग जा रहे हैं माना। तो चलिए फिर
मंदिर का फुटेज देखिए जब तक हम लोग चलते हैं। मान तो दोस्तों हम पहुंच गए माना और मैं अभी हूँ भोले शंकर मूर्ति भवन में हूँ। और पिछले साल आए थे तो यार इतना बड़ा बड़ा मूर्ति बनता था, बाहर में रखे रहता था मूर्ति, बट अभी अंदर जाने पे हम क्या देखते हैं कि ये जो सब बड़े बड़े मूर्तियाँ हैं, जब मतलब इनका पूरा ऑर्डर कैंसिल हो गया और ये भाई लोग सब छोटा छोटा ही मूर्ति बनाए हैं। जो जो सरकार जो गाइडलाइन दी है 4 फीट से नीचे होना चाहिए, तो ये 4 फीट से नीचे का ही मूर्ति बनाए हैं। और ये जो सब बड़े बड़े मूर्ति हो देख रहे हो, सबका ऑर्डर शायद कैंसिल हो चुका है। और अगर वैक्सीन बन जाता है, भारत में आ जाता है और अगले साल तक ये सब सही सलामत रहेगा तो अगले साल काम आएगा, नहीं तो फिर से तोड़ताड़ के फिर से ही बनाएंगे शायद पिछले साल। अरे पीछे शायद माता मूर्ति का वो है, बाकी ये सब देख सकते हो पूरे मूर्ति, मतलब अभी जो बड़े बड़े मूर्तियाँ हैं सब ऐसी पड़ी, इनमें कलर नहीं हो रहा है। बाकी जो जितने छोटे मूर्तियाँ हैं उन पर काम कर रहे हैं जो 4 फीट से नीचे के हैं। भाई लोग का बहुत नुकसान हुआ है शायद, देख के ही लग रहा है। तो दोस्तों हम लोग जैसे ही माना आए, तो पिछले साल जैसे हम लोग जब माना घुसते थे ना,
तो हम लोग को पूरा मूर्तिकारों का ना पंडाल दिखता था, लेकिन इस साल ना एक भी मूर्तिकारों का पंडाल नहीं दिखा। जो बड़े बड़े मूर्तिकार थे ना वही बस थे, और जो और छोटे छोटे जो मूर्तिकार थे ना उनका तो पंडाल ही नहीं था, बेचारे लोग मूर्ति नहीं बना रहे। मतलब अब पूरा कोरोना के कारण इनका भी पूरा धंधा पूरा चौपट हो गया है। मैं जैसे एक दो जगह घुसा जहाँ बड़े बड़े मूर्ति बनते थे, उनका जितना भी बड़ा बड़ा मूर्ति था ना सबका ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। बेचारे लोग सिर्फ ना 1 फीट से लेकर जो 5 फीट या 4 फीट का जो गाइडलाइन दिया सरकार उसी का पालन करते हुए मूर्ति बना रहे हैं। और मैं ना एक दो मूर्तिकारों से बात करने का भी कोशिश किया, बट उनके चेहरे से ना जो उदासी, क्योंकि यार हम लोग पूरा 1 साल से पूरा इसी का तैयारी करते हैं। जैसे हम लोग अपना क्या बोलते हैं, गणेश सीजन आता है तो गणेश में मूर्ति बनाते हैं और माता सीजन में मूर्ति बनाते हैं, पूरा साल भर हम लोग इसी में करते रहते हैं, पूरा उधारी लेके किस्त लेके जो भी करते हैं। तो यार इस साल पूरा मतलब बनाने के बाद ये जो गाइडलाइन आया कि नहीं आप लोग बड़ा मूर्ति मतलब मत बनाओ ऐसा, तो बना चुके तो उसको कैसा करें, तो चेहरे से उनका उदासी अलग से दिख रहा था। मैं सोचा कुछ इंटरव्यू लूँ, बट बेचारे लोग का इतना मतलब मन देखा, मैं चेहरा देखा तो कुछ इंटरव्यू लेने का मेरे को मन ही नहीं किया। तो यार मेरा भी एक मन उठ गया, क्योंकि मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा कि छोटा छोटा मूर्ति बन रहा है। भगवान तो भगवान होते हैं लेकिन छोटा छोटा मूर्ति बन रहा है उनका। मैं कुछ वीडियो बनाया हूँ जो मेन चैनल पर डालूँगा, आप देख लेना। और बाकी जो बड़े बड़े मूर्ति थे जो उनका ऑर्डर कैंसिल हो गया है, जो अधूरे बने हुए, उनका थोड़ा सा इसी में वीडियो बनाया हूँ जो इस वीडियो के अंत में दिखाऊँगा। बाकी ये मेरा पहला व्लॉगिंग था, उतना मज़ा नहीं आया क्योंकि यार हम लोग जो 3 साल से 3.5 साल से करते आ रहे हैं गणेश भगवान का बनते हुए मूर्ति दिखाते हैं, इस साल वो था ही नहीं तो मज़ा नहीं आया। बल्कि अब क्या बोले, अब फिर भी हम 3.5 साल से आ रहे हैं, आप सभी लोग बोले कि गणेश भगवान का मूर्ति का जो बनने वाला वीडियो हो, बनने वाला जो मूर्ति मेकिंग वाला वीडियो है वो बनाओ, तो मैं आया था उस कारण, लेकिन कुछ दिखा ही नहीं, तो यही था सिर्फ। और वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना और दुआ करना कि अगले साल सब ठीक हो जाए, तो हम जितने भी हम सभी का काम, मूर्तिकार हो या फिर कुछ भी काम कर रहे हो, सभी का काम सही शॉर्ट चले। तो जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। एक नंबर देखो।